हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बनारसी जायका में। आज हम बनाने वाले हैं काले चने की घुघरी। घुघरी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन अगर इस तरह से घुघरी बनाकर आप खाएंगे ना तो एकदम मज़ा ही आ जाएगा। इसका टेस्ट बिल्कुल नॉनवेज जैसा है। आपके घर में कभी अगर मेहमान आए और उन्हें आप इस तरह से खाना बनाकर खिलाएं तो आप आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। घुघरी बनाने के लिए मैंने जो है इस तरह के काले चने का यूज़ किया है। मैंने 400 ग्राम के करीब ये जो चने हैं अच्छे से साफ करके भिंगाकर रात भर के लिए रख दिए थे और इसे अच्छे से साफ कर लिया है धुलकर। अब इसे हम क्या करेंगे, एक कुकर में डालेंगे। उसके बाद चना बस हमारा डूब जाए उतने के बराबर ही हम इसमें पानी का यूज़ करें। मैंने यहाँ पर लगभग 2 कटोरी के बराबर पानी यूज़ किया है। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डालूँगी। मैंने 1 चम्मच इसमें जो है कि नमक डाला। अब इसे जो है तेज आंच पर ही हम सीटी लगाकर 7 से 8 सीटी बजाएंगे। पहली सीटी तेज आंच आने पर ही हम बजाएंगे, उसके बाद आंच मीडियम करके हम इसे सीटी बजाएंगे। अभी देखिए 7 से 8 सीटी बजने के बाद हमारा चना एकदम अच्छे से जो है कि पक गया है, एकदम ये सॉफ्ट हो गया है। अब चलिए यहाँ पर मैंने जो है कि करीब 1 kg के बराबर है प्याज लिया है, इसे मैंने इस तरह से काट लिया है। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था जिसे बारीक टुकड़ों में मैंने काट लिया है। 15 से 20 जो है कि हरी मिर्च है और 50 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर लहसुन को छील लिया है। ये करीब 3 चम्मच के बराबर भर भर कर है। अब कुकर में जो है कि हम यहाँ पर तेल लेंगे। तेल भी हमारा जो है कि थोड़ा 2 बड़े चम्मच के बराबर है और इसमें हम जीरा, सूखा मिर्च और तेज़पत्ता का तड़का लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 5 सूखी मिर्च ली है, तेज़पत्ता 2 लिया है। अब तेल गर्म होने के बाद इसमें हम तड़का लगाएंगे, अदरक मिर्च लहसुन को भी ऐसे ही डालेंगे और उसके बाद इसमें हम प्याज को ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद जो है कि अब हम इसे अच्छे से तेज आंच पर ही अच्छे से कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे, कुछ मिनट के लिए। अब इसके बाद जो है कि हम इसमें नमक डालेंगे। ध्यान रहे हमारे घुघरी में भी चने में भी हमने नमक डालकर पहले से ही रखा हुआ है। अब नमक मिलाने के बाद जो है हम इसमें जो है कि ढक्कन लगाकर 3 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे, वो भी मीडियम आंच पर। ये ना सोचे कि हमारा जो है कि प्याज जल जाएगा। प्याज में नमक मैंने डाला है जिससे अपना पानी छोड़ेगा और आराम से ये जो है कि 3 से 4 सीटी में पक जाएगा। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा सीटी, तभी हम इसको फिर से खोलेंगे। जब तक हमारा प्याज पक रहा है तब तक दूसरी तरफ हमें कढ़ाई में 2 चम्मच बेसन लेंगे और उसे ऐसे ही बिना घी तेल के ही फ्राई रोस्ट करेंगे। बस ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट तक इसे हम भुनेंगे, जब तक इसका कलर जो है कि थोड़ा चेंज नहीं हो जाता और सौंधी खुशबू नहीं आने लगती। तो देखिए इस तरह से जो है कि मैंने इसे धीमी आंच पर ही भून रही हूँ। अब देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। अब देखिए अच्छे से ये भून चुका है, थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया है और खुशबू भी बहुत ही सौंधी सी आ रही है। अब इसे क्या करेंगे, हटा देंगे हम। इधर देखिए ठंडा होने के बाद मैंने कुकर का ढक्कन हटाया है, तो देखिए प्याज जो है हमारा अच्छे से गल गया है। लेकिन इस पे क्या है, अभी पानी है, तो हमें क्या करना है, तेज आंच पर ही 1 से 2 मिनट के लिए इसे हमें भुनना है, जिससे कि इसका पानी भी जल जाएगा और प्याज हमारे अच्छे से और गल जाएंगे और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। हमें इसे ब्राउन होने तक जो है कि पकाना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1-2 मिनट में ही जो है कि ये पानी पूरा सूख जाएगा और प्याज हमारा अच्छे से लाल हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से लाल हो चुका है, पानी भी जल चुका है और एकदम अच्छे से गल गया है, तेल भी दिख रहा है आपका कुकर में। बस अब इस स्टेज पे क्या करना है, हमें इसमें जो है कि मसालों को ऐड करना है। तो मसाले के लिए हमें क्या लेना है, चलिए देखते हैं। अब हम इसमें क्या है, ये 1.5 चम्मच के बराबर जो है कि गर्म मसाला लेंगे। ये मेरा घर का ही बना हुआ गर्म मसाला है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं नॉनवेज में भी इसी मसाले का यूज़ करती हूँ, इससे टेस्टी बहुत ही खाना टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने गर्म मसाला, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को जो है कि मैं प्याज में मिक्स करूँगी, मैंने और किसी मसाले का यूज़ नहीं किया है। तो देखिए मैंने ये जो है कि प्याज में जो है ये मसाले को मिक्स किया। बस कुछ सेकंड ही लगते हैं इस मसाले को भी भुनने में, अच्छे से चलाएंगे और करीब 2 चम्मच के बराबर जो है इसमें पानी का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है कि 2 चम्मच पानी ऐड किया। बस अब इसे कुछ सेकंड के लिए भुनेंगे, 1 मिनट के अंदर ही हमारा मसाला जो है कि अच्छे से भुन जाएगा। तो देखिए हमारा मसाला भी जो है कि अच्छे से भुन गया है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो अब क्या करेंगे, हमने जो बेसन भून के रखा हुआ है ना,
अब उसे भी ऐड कर देंगे और इसे भी कुछ सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स करके भुनेंगे। तो ये देखिए इसे भी हम भून रहे हैं। अब जो है कि हमने जो चना रखा हुआ है ना, तो उसे भी अब इसमें हम ऐड करेंगे। ये चने के पानी को हमें फेंकना नहीं है, ये पानी भी मतलब हम यूज़ करेंगे घुघरी के लिए ही। तो पानी के साथ ही जो है कि हम चना जो है मसालों में ऐड करेंगे। अब देखिए चना का पानी तो कम है, लेकिन हमें पानी की आवश्यकता भी और है, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है जिससे कि पानी हमारा जो है कि गाढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से एक कटोरी दो कटोरी जैसा भी आपको पानी की रिक्वायरमेंट हो, पतला गाढ़ा, आप उस हिसाब से यहाँ पे पानी का यूज़ करिए। मैंने यहाँ दो कटोरी के बराबर पानी लिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखिए ये भी थोड़ा पतला लग रहा है देखने में, लेकिन इसमें बेसन पड़ा हुआ है और जैसे ही बनकर तैयार होंगे हमारा ग्रेवी जो है कि गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए अभी इसमें क्या करना है, हम एक सीक्रेट चीज़ मिलाएंगे जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल नॉनवेज जैसा हो जाएगा। तो देखिए वो सीक्रेट चीज़ ये है, अजीनोमोटो नमक। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, ये वही अजीनोमोटो नमक है जो चाइनीज़ आइटम में पड़ता है। यहाँ पे जो है कि 1/4 चम्मच के बराबर ही मैं लूँगी और इसे ऐड करूँगी घुघरी में, और टेस्ट बिल्कुल जादुई तरीके से एकदम चेंज होता है। आप ट्राई करके देखिएगा, अगर आप डालना चाहें तो डालें या फिर ना डालें। अब इसे भी हम 3 से 4 सीटी आने तक फिर से पकाएंगे। ये देखिए 3 से 4 सीटी आने के बाद हमारा चना जो है एकदम अच्छे से पक चुका है, प्याज भी एकदम से गल चुका है, ग्रेवी भी गाढ़ी होने लगी। अब ये गर्म है, जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना वैसे वैसे अभी और गाढ़ी होगी। तो देखिए इस तरीके से हमारा चना का घुघरी जो है टेस्टी घुघरी बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा धनिया ऐड करेंगे। धनिया ऐड करने के बाद अब इसे हम सर्व करेंगे। तो ये देखिए हमारा चना का घुघरी बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें थोड़ा आप नींबू निचोड़ के रखिए, इससे टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा लगता है। अब आप इसे गरम गरम पुलाव, गरम गरम चावल या रोटी के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपके घर कभी मेहमान आए आप उन्हें ये बनाकर ज़रूर खिलाइए, वो आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बच्चे बूढ़े सबको बहुत पसंद आता है। एक तरीका और है खाने का, बनारस में क्या होता है अक्सर ना पक्के माहौलों में जो है कि इस तरह से घुघरी को जो है कि दोने में दिया जाता है और उसमें आप अपने पसंद के हिसाब से मठरी हुआ, पापड़ी हुआ, तो शक्कर पाले हुए, नमक पारे हुए वो आप डालिए, प्याज डालिए, नींबू डालिए, आपके पास जो कुछ भी मतलब अवेलेबल हो सेव डालिए, भुजिया नमकीन डाल दीजिए, चटपटा बनाने के लिए आपके पास जो कुछ भी हो नमकीन वगैरह वो सारी चीज़ें डालिए और धनिया से छिड़क कर नींबू से डालकर गार्निशिंग करके आप खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मेरे पास अभी ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी, मैंने नमक पारे, सेव, प्याज, नींबू और धनिया से इसे सर्व किया है, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। शाम के नाश्ते में भी आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, दिन में आपने बनाया है शाम में बच गया है तो आप इसे खाइए। अगर आपको ये सभी को बहुत पसंद आएंगे आप बनाइए और इन्जॉय कीजिए। मैं तो अपने घर पे ज़रूर एक्स्ट्रा बनाती हूँ, दिन में भी खाती हूँ और शाम में इस तरह से मतलब बच्चों को बड़ों को सबको सर्व करती हूँ, सबको बहुत पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बाय बाय।